संघ प्रदेश दादरानगर हवेली के सामाजिक संगठनों द्वारा पेड़ों को बचाने हेतु प्रशासक श्री को आवेदन पत्र सौंपा गया। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली के कई प्रकृति प्रेमी अब प्रशासन के सामने आवाज उठा रहे हैं, जिसमें बींग ह्यूमन सोसाइटी सिलवासा के श्री आरिफ एफ शेख एवं डे टू डे ग्रुप दादरानगर हवेली के श्री कौशिल शाह, श्री संदीप देसाई तथा अन्य सदस्यों ने मंगलवार को प्रशासक श्री विक्रम देव दत्त को आवेदन पत्र सौंपा। प्राप्त जानकारी अनुसार सिलवासा से खानवेल का रास्ता गत 11 वर्ष पूर्व पास हुआ था, परंतु रखोली के बाद रास्ते के दोनों किनारों पर सालों पुराने ऊंचे एवं सुंदर पेड़ आए हैं, जिनकी सुंदरता के चलते फोर लेन का काम बंद कर दिया गया था। फिलहाल इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर दे दिया गया है, लिहाजा वृक्ष प्रेमियों का मानना है कि यही पेड़ प्रदेश की मुख्य सुंदरता है और उन्हें किसी भी हालत में बचा लिया जाए। वही उद्योगों में आते भारी वाहनों के लिए वेलुगांव से तलासरी नेशनल हाईवे नंबर 8 को जोड़ता फोरलेन रोड बन रहा है। ऐसे समय में रखोली से खानवेल तक के रास्ते का विस्तरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ बींग ह्यूमन सोसाइटी सिलवासा के श्री आरिफ शेख ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा प्रदेश के विकास के नाम पर अपनी मनमानी चलाकर पेड़ों को काटा जाएगा तो हमारा एनजीओ उग्र आंदोलन के साथ कोर्ट का सहारा लेगा, जिसे लेकर मंगलवार को प्रशासक श्री को आवेदन पत्र सौंपा गया। जो टुकुमा एम कहीस कि अमे आज एडमिनिस्ट्रेटर साहब और सीसीएफ साहब बन्ने जोड़े अमारी आखी टीमें मुलाकात करी। घणो सीसीएफ साहब साथ तो अमे घणो समय सुधी चर्चा करी। अमे अमारी एकज फीलिंग्स एमने एक्सप्रेस करी के अमे लोगो कोई विकासना विरुद्ध में नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, टेरिटरी इंटरेस्ट फर्स्ट। जहां पब्लिक इंटरेस्ट की और टेरिटरी इंटरेस्ट की बात है, आप कुछ भी कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन अगर ये जो पेड़ है, जैसे आरिफ ने बोला, ये हमारी पहचान है। हमारा प्रदेश सबसे पहले वन प्रदेश माना जाता है, नो डाउट। इसमें सब तरह का विकास जरूरी है, इंडस्ट्री का विकास भी जरूरी है, सब होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे जो मोटोज है, हमारी जो जरूरियात है, अगर वो फुलफिल हो जाती है, उसके बाद में हमें हमारे वन को बचाने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पूरे प्रयास करने चाहिए और प्रशासन को इसमें पूरा जवाबदारी से काम करना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी बात थी। पर्टिकुलरली जो भी खानवेल और सिलवा रखोली के जो फोर लेन की बात हो रही है, इसमें हमारे हमने तथ्य रखे कि पहली बात, इस पे इतना ट्रैफिक नहीं है, इतनी ट्रैफिक समस्या नहीं है। जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ज्यादातर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले हैं, तो उस पर कड़काई बरती जाए और उस रोड पे जो दो तीन डेंजर जोन है उस पर काम कर लिया जाए। चाहिए तो वहां पेड़ काटने पड़े काट लिए जाए, अगर लोगों की जिंदगियां बचती हो तो। और ऊपर से जहां उधर तो कोई इंडस्ट्री ग्रोथ होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां लैंड ही नहीं रिजर्व रखी गई है इंडस्ट्री के लिए। वेलुगाम, सुरंगी और आंबोली में जो इंडस्ट्री आने वाली है या आने वाली है, उसके लिए प्रशासन ऑलरेडी सीधी एक्सेसिबिलिटी दे रहा है फोर लेन रोड की, वेलुगाम से हाईवे की, तो तब तो ये ट्रैफिक और रिड्यूस हो जाएगा। अगर ऐसे में हम लोग हमारे पेड़ को बचाने के पूरे प्रयास होने चाहिए। जो नजारा खानवेल रोड पे आज बनता है, वो दुनिया के देश ऐसे नजारे को पब्लिश करता है पूरे वर्ल्ड में और अपने देश को एक टूरिज्म कंट्री के और पब्लिसिटी करता है, और हम वो काट रहे हैं। मेरी तो मैंने, लेकिन जहां तक आज हमारी दोनों बड़े ऑफिसों में जो हमारी चर्चा हुई, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और फॉरेस्ट में भी इतना तालमेल नहीं है। सीसीएफ साहब को भी कितनी चीजें, वो भी अनजान है, उनकी बिना जानकारी के भी कितनी चीजें हो रही है प्रशासन में। और मेरे ख्याल से अभी जो विकास कार्य, जो योजनाओं पे काम चल रहा है दादरा नगर हवेली प्रशासन में, मैं समझता हूं पर्सनली तौर पे वो ठीक रिदम से, सबके तालमेल से नहीं चल रहा है। इस वजह से हमारी प्रदेश को नुकसान ऑलरेडी झेलने पड़ रहा है और इससे भी ज्यादा नुकसान आगे के दिनों में झेलने पड़ेंगे। मैं तो अभी भी ये पर्सनली फील करता हूं कि ये परिस्थिति में हमारे प्रदेश के जो जिम्मेदार नेतागण है और जिम्मेदार पक्ष है, राजकीय पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे प्रदेश के सांसद हो या चाहे कांग्रेस के प्रमुख हो नगर हवेली के, उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के इसमें आगे आना चाहिए और मध्यस्थी करनी चाहिए, ताकि ये सब योजनाओं का तालमेल बराबर बैठे और जो प्रदेश के हित में है वो हित में हो, हर एंगल से हित में हो, वो हिसाब से ये सब योजनाएं आगे बढ़े। वो छोटे वर्ड में बोलूंगा कि सीसीएफ साहब खुद परेशान है कि प्रशासन के कुछ विभाग यहां
वहाँ ये जरूरी वो जरूरी करके पूरा नगर हवेली में कटाई चल रही है। अब सीसीएफ साहब की ये भावना है, इससे ज्यादा हम क्या गाएंगे। बड़े दुख की बात है, हमारे प्रदेश में ये प्रदेश जो वन के लिए जाना जाता था, फॉरेस्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही वन वही फॉरेस्ट यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको काटने के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटर सर से और हम सीसीएफ सर से भी हमने आज मुलाकात की। हमारा मेन मुद्दा है कि दादरा नगर हवेली जो वन के लिए जाना जाता है, जिसके जो वन देखने के लिए हजारों की संख्या में दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, तो वो वन को बचाए रखें। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ का प्रशासन कुछ दिनों से सिर्फ एक ही काम कर रहा है, और वो पेड़ को काटने का काम कर रहा है। आप चले जाइए रांधा, आप चले जाइए खानवेल, आप देखो हजारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं। क्यों, इसकी क्या जरूरत है? ना उधर इस तरीके का कोई ट्रैफिक का इश्यू है, ना ऐसा कुछ है, तो उसके बाद वो काटने की क्यों जरूरत है? ये वो विस्तार है, वो एरिया है कि जहां पे जिस एरिया को पूरा अगल बगल के सारे राज्य के लोग पसंद करते हैं, और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हमारे जो हीरो है अमिताभ बच्चन, उसने भी इस एरिया को पसंद किया है। तो ऐसी जगह को तो हमें प्रोटेक्ट करके उसको प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म के लिए उसे प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, बस आप पेड़ को काटो। आप देखो हजारों की संख्या में सात माले, और जैसे ही आप रखोली ब्रिज क्रॉस करोगे हजारों की संख्या में पेड़ करो। तो हम उसका विरोध करने के लिए आज हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास जाके हम लोग मिले, और सीसीएफ साहब के पास जाके हमने हमारा दुख उनको दिखाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, एनडीए की सरकार जो अभी हमारे देश में चल रही है, उसका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो है बिना विनाश के विकास। तो जब सरकार ही अगर इस चीज को मान रही है कि बिना विनाश के भी विकास हो सकता है, तो यहां पे भी वो लागू होना चाहिए ना। हम कोई पाकिस्तान में तो रह नहीं रहे, ये भी तो हिंदुस्तानी है। तो इस तरीके का जो कायदा जो बना है, जो मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो उस सरकार का था, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस मैनिफेस्टो पे यहां का प्रशासन भी चले।